मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं 3 नवंबर को, और अगर भारतीय समयानुसार इसको माने तो यानी कि वो तारीख बैठेगी 4 नवंबर, क्योंकि अमेरिका के और भारत के टाइमिंग में 10 या 11 घंटे के आसपास का हेरफेर है। तो कहा यह जा रहा है कि जब यहाँ पर 4:30 बजेंगे आज शाम के, तो वहाँ पर सुबह होगी। कहा यह भी जा रहा है कि सुबह 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक वोटिंग की जाएगी। तो देखिए, दो उम्मीदवार इस लिस्ट में खड़े हैं, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप हैं और दूसरी तरफ जो बाइडेन हैं। दोनों के बीच में ही कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो सर्वे सामने आया है उसमें डोनाल्ड ट्रंप का डाउनफॉल देखा जा रहा है। लेकिन फिर हर किसी के जहन में यही सवाल है कि क्या पिछली बार की तरह इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप बाजी मार लेंगे। आपको याद ही होगा, पिछली बार भी हिलरी क्लिंटन के मुकाबले डोनाल्ड ट्रंप को कम फीसदी वोट मिले थे, लेकिन देखिए किस तरीके से चाणक्य साबित हुए थे वो, और उन्होंने दावपेच लगाकर सरकार अपनी बना ली थी। तो कुछ ऐसा ही इस बार भी माना जा रहा है। हालांकि ये भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ये भी एक सच है कि लगभग 65% ऐसी आबादी है जो डोनाल्ड ट्रंप से नाराज बताई जा रही है, उनकी नीतियों को फेल बता रही है, और इसी मुद्दे को भुना रहे हैं जो बाइडेन। दरअसल देखिए, एक तो कोविड का पूरा दौर हम सभी ने देखा है, अमेरिका में इसके सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, हजारों की तादाद में लोग इससे संक्रमित हुए हैं, और जो बाइडेन उसी पर खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोरोना से लड़ने में, लोगों को बचाने में, इकोनॉमी को सही सलामत रखने में ट्रंप सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है, जबकि ट्रंप ये तर्क दे रहे हैं कि ये सब कुछ चाइना की देन थी और उसके बाद भी ट्रंप सरकार मजबूती से लड़ी है। अब देखिए, ऐसे में इम्पॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि जो लोग खुला समर्थन कर रहे हैं उनको आप एक साइड रख दीजिए, जो साइलेंट वोटर्स हैं वो किस तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, किसको वोट करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ एक और तबका इस बार खासा चर्चाओं में है, और वो है भारतीय मूल के लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं। देखिए, जब ट्रंप भारत आए थे तो मोदी ने किस तरीके से उनका स्वागत किया था, उनकी तारीफों में कसीदे पड़े थे। इतना ही नहीं, जब मोदी अमेरिका गए थे तो वहाँ पर भी दोनों के बीच की दोस्ती और जो एक बॉन्ड था वो साफ देखने को मिला था। ऐसे में जो अमेरिका में इंडियंस रह रहे हैं उनके दिमाग में ट्रंप को लेकर एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। तो ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सर्वे जो सामने आया है उसके उलट जो साइलेंट वोटर्स हैं क्या ट्रंप सरकार को सत्ता में लाने का काम करेंगे। ये बेहद दिलचस्प होने वाला है। अच्छा, अब ये भी बात सामने आ रही है कि जैसे कि वोटिंग हो जाएगी 3 नवंबर को अमेरिका के हिसाब से, तो इसकी फिर मतगणना कब होगी, नतीजे कब आएंगे, अभी तक पुख्ता तौर पर इसकी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन कहा जा रहा है जैसे ही सारी वोटिंग खत्म होगी उसी रात को मतगणना शुरू होगी, और 24 घंटे के अंदर अंदर ये ऐलान कर दिया जाएगा कि किसकी पार्टी विजयी हुई है और कौन इस बार राष्ट्रपति बनने जा रहा है। तो बेहद दिलचस्प ये जो मुकाबला है होने वाला है। इससे भी ज़्यादा दिलचस्प देखिए क्या है, कहा यह जा रहा है अमेरिका के अखबारों में, मैगजीन्स में ये खबरें छप रही हैं कि इस बार दो बूढ़े उम्मीदवार मैदान में हैं। अब देखिए, ट्रंप की उम्र 74 साल है और जो बाइडेन की उम्र 77 साल है, तो ये एक बहुत ऐसा, देखिए 60 साल में तो हमारे यहाँ पर रिटायर हो जाते हैं लोग, और उसके भी 17-18 साल बाद ये लोग इस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं, और एक बहुत पॉलिटिकल बैकग्राउंड स्ट्रांग इन लोगों का रहा है। तो ऐसे में ये भी अखबारों में खबर छप रही है कि कोई नया उम्मीदवार नहीं है बल्कि यही दोनों हैं जो इतने सालों से सत्ता में रही हैं, पॉलिटिक्स में रही हैं। तो बेहद दिलचस्प होगा जो दो खेमों में इस वक्त अमेरिका बटा हुआ है, किसके हाथ में सत्ता जाती है, कितने एक्साइटेड है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को लेकर, क्या आपकी राय है हमें बताइएगा।